लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पे? बहुत असर पड़ रहा है, दूध से लगातार मकई चला जा रहा है। पहले ये था कि हम भाई एक कभी 100 रुपये बढ़ाते थे तो हमारा उसका भी चल जाता था, अभी ये है कि 100 रुपये बढ़ाते हैं तो हमारा असर नहीं चलता है। पहले हमें पेट्रोल महीने खर्चा होता था 1000 आती है 6000 रुपये, और बात ये हो रहा है कि पेट्रोल घर से हम पहले बढ़ता था घटता भी था, अब एक हर महीने बढ़ता नहीं घटने का चांसेस कम होता है, और घटता बढ़ता है 4 रुपये घटता है 1 रुपये, दिक्कत ये हो जा रही है। और हमने जो सोचा था जिस सरकार को लेके आए कि भाई हमारा जो कांग्रेस टाइम की यही हाल था तो इससे बढ़िया होगा, लेकिन अभी हाल ये होगा कि जो पहले था उससे भी बुरा हाल हो गया है। बाकी देशों में अगर देखें तो पेट्रोल का दाम थोड़ा कम होता है, हमारे दाम ज़्यादा होता है, तो उस पर टैक्स का बहुत ज़्यादा खूब किया जाता है। तो हमारा कहना यही है कि सरकार से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तो पेट्रोल का दाम कम करें, और हमारा कहना ये है कि भाई सबके लिए बढ़िया होगा पेट्रोल दाम कम हो जाता है, पेट्रोल दाम बढ़ेगा तो सबके दाम बढ़ जाएगा। बहुत दिक्कत हो रहा है पेट्रोल के दाम में बढ़ने से, बहुत कम पेट्रोल मिलता है, गाड़ी भी बहुत कम चला पाते हैं, ऊपर से 100 रुपये का पेट्रोल लेते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि कितना चले, तुरंत ही पेट्रोल खत्म हो जाता है, और पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है तो महंगाई दिक्कत तो हो रही है। मगर इसमें जो है केंद्र महंगाई पर है तो इस पर तो पब्लिक को रोक लगाना ही, यही तो सर बढ़ ही रहा है 1 रुपया 2 रुपया।